इंजीनियर विकास कुमार, कंप्यूटर एजुकेशन बाय विकास कुमार। हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। नंबर सिस्टम बेसिकली एक टॉपिक है, ये मैथमेटिक्स में लगभग ये इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। बाकी आने वाले जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें लगभग इस टॉपिक में से एक या दो क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो इस डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेलवे, चाहे पटवार, एसएससी, बैंक, इस प्रकार की जो कंपटीशन एग्जामें होती हैं उनमें एक टॉपिक का महत्वपूर्ण रोल होता है और इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अपन स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में बेसिक कंसेप्ट से चलेंगे अपन, जीरो लेवल से चलेंगे नंबर सिस्टम में किस प्रकार से अपन यूज करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट नंबर सिस्टम होता है प्राकृत संख्याएं। पहले जो नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो इनको इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर। इनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर बोला जाता है इनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर बोला जाता है। इसको प्राकृत संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो ये प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इनको एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो एक बार मैं आपको लिख देता हूं इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर होती हैं, इसको एन से डिनोट करते हैं अपन। देन उसके बाद में अपन ये कौन कौन सी होती है नंबर, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं। जैसे वन से स्टार्ट होके कोई संख्या इंफिनिटी तक जाती है, यानी इंफिनिटी यानी अपरिभाषित, इसको हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित। और देन यहां तक कोई भी नंबर है एक से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक यानी अपरिभाषित तक जाता है उसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं, उसको नेचुरल नंबर भी बोला जाता है। और कैपिटल एन से इसको डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से उसे व्यक्त करते हैं, ठीक है। ये प्राकृत संख्याएं होती हैं, इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं प्राकृत संख्याएं होती हैं। दूसरी प्रकार की जो संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं, मान लीजिए पूर्ण संख्याएं और एक तीसरी पूर्णांक संख्याएं। आपको अलग अलग संख्याएं सारी मैं बताऊंगा आपको। पूर्ण संख्याओं को क्या बोला जाता है? होल नंबर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? होल नंबर्स बोला जाता है। इनको किससे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं W से डिनोट करते हैं। ये पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो आपको यहाँ पे बोर्ड पे क्लियर दिखाई दे रहा होगा, आपको इस प्रकार की जो नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ा रहा हूँ आपको, बेसिक जीरो लेवल से प्राकृत संख्याएं इस प्रकार से और पूर्ण संख्याएं इस प्रकार से, W से अपन व्यक्त करते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जीरो एग्जाम्पल इसके लिए बता रहा हूँ आपको, ये संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? जीरो, वन, टू, थ्री, इसके बाद में संख्याएं स्टार्ट होती हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं, इससे क्या बोलते हैं अपन? पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, पूर्ण संख्याओं का होल नंबर्स बोला जाता है। देन उसके बाद में अपन तीसरे प्रकार की संख्याएं हैं पूर्णांक संख्याएं। तो आपने दो संख्याओं के बारे में अपने बेसिक पहचान की कि प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर बोला जाता है एंड कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, ये स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो होल नंबर्स जो होते हैं W से नोट करते हैं, वो ऐसी संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होके यानी जीरो, वन, टू, थ्री, इंफिनिटी तक जाती हैं उसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब पूछा था डिफरेंस क्या होता है प्राकृत संख्याओं में, जो अंतर क्या होता है प्राकृत संख्याओं में, डिफरेंस कितना क्या होता है? डिफरेंस सिर्फ एक जीरो का होता है, ओनली सिर्फ जीरो का, इसमें जीरो नहीं आता है, इसमें जीरो आता है। तो कई एग्जाम में पूछ लेते हैं कि प्राकृत संख्याएं और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ जीरो का ऐड होता है। नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं होती हैं इसमें जीरो से स्टार्ट नहीं होती हैं, और पूर्ण संख्याएं जो होल नंबर्स होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो आप लोगों को ये दो समझ में आए होंगे। देन अपना तीसरा, पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो तीसरा अपन लेते हैं पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याओं के आपको बताना है कि कौन कौन सी, कहां से संख्याएं स्टार्ट होती हैं पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। तीसरा अपना क्या है? पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर की बात की जाते हैं, इंटीजर,
इंटीजर नंबर की बात की जाए पूर्णांक संख्याएं तो कौन से होते हैं, जो माइनस इंफिनिटिव से स्टार्ट होके माइनस इंफिनिटिव से चलती हुई संख्या जैसे 4, 3, 2, 1 माइनस में इस प्रकार से, देन उसके बाद में यहाँ पे 0, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6 देन इंफिनिटिव तक जाती हैं, ऐसी संख्याएं कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो आप लोगों को ये पता लग चुका होगा कि ऐसी प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो आपको ध्यान रखना पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं, जैसे इंटीजर नंबर की जो संख्याएं माइनस इंफिनिटिव से स्टार्ट होके 4, 3, 2, 1, 0 फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंफिनिटिव तक जाती हैं, मतलब माइनस इंफिनिटिव टू प्लस इंफिनिटिव तक जाती हैं और बीच में 0 आता है, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। और अगली संख्या क्या है, अपनी अपनी संख्याएं अपनी सम संख्याएं, सम संख्याएं कौन सी होती हैं, आपको लगभग संख्याओं के बारे में पता ही जाएगा, पहले इसमें नंबर सिस्टम में पहले आपको नंबर की पहचान करनी बताई जाएगी, इस वीडियो में मैं आपको नंबर सिस्टम में पहले नंबर्स की आपको पहचान करने बताऊंगा कि कौन सा नंबर प्राकृत संख्या में आता है, कौन सा नेचुरल, जो कौन सा पूर्ण संख्या में आता है, कौन सा पूर्णांक संख्या में आते हैं, कौन से नंबर सम संख्या में होते हैं, कौन से विषम संख्या में होते हैं। अधिकतम स्टूडेंट के कंपटीशन वाले स्टूडेंट को, अधिकतम स्टूडेंट को ये नंबर सिस्टम में बेसिक पता होगा, बाकी मैं जीरो लेवल से आपको पढ़ा रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो हमें वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देन सम संख्याएं कौन से होती हैं, सम संख्याओं को बोला जाता है इवन नंबर, इंग्लिश में बोला जाता है इवन नंबर, इवन नंबर। तो सम संख्याएं कौन से होते हैं, ऐसी संख्याएं, सम संख्याएं कैसे होती हैं, ऐसी संख्याएं जिसमें दो का भाग पूरा पूरा जाता हो उसी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं, जिसमें दो का भाग यानी दो का भाग पूरा पूरा कंप्लीट जाता हो, दो का पूरा भाग जाता हो, दो का पूरा पूरा भाग जाता हो, भाग जाता हो या दो से पूरा डिवाइड होता हो उसे अपन सम संख्याएं कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है उसे हम सम संख्याएं कहते हैं यानी इवन नंबर कहते हैं। तीसरा अपना क्या, पांचवा अपना कौन सा है, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं एक बार आपको ये बेसिक इनके बारे में बता देता हूँ डिटेल, विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर, ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, ऑड नंबर्स जिसमें दो का भाग नहीं जाता है, जिसमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, भाग नहीं जाता है, नहीं जाता है उसमें कहलाते हैं। तो वो संख्याएं कौन कौन सी है, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ये एग्जाम्पल है इस संख्या का। देन इसका एग्जाम्पल आपको सम का एग्जाम्पल क्या होगा, सम का एग्जाम्पल क्या होगा, इसी संख्या जैसे 2, 4, 6, 8 और इसमें 0 भी, जिसके लास्ट के अंत में अगर लास्ट डिजिट में अगर 0 आता है वो संख्याएं सारी कहलाती हैं इवन नंबर। तो आपको मैंने बताया सम संख्याएं ऐसी सम संख्याएं जिसमें दो का भाग पूरा पूरा जाता है, जैसे एग्जांपल में 2, 4, 6, 8। विषम संख्याएं होती हैं जिसे ओड नंबर से डिनोट करते हैं, ओड तो दो से भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो ये बेसिक नंबर सिस्टम के अंदर ये संख्याएं हैं आपको पता होना चाहिए। तो ये संख्याएं थी और इसके बाद में अगला अपन लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो संख्याएं सहभाज्य संख्याएं भाज्य संख्याएं इनके बारे में अपन पढ़ेंगे और भिन्न के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो में बने रहना है ठीक है। तो आपको मैं एक और नंबर बताता हूँ, जैसे कि अपने भाज्य संख्याएं जैसे परिमेय संख्याएं, तो अपन परिमेय संख्या के बारे में अपन पढ़ लेते हैं, जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनके बारे में अपन पढ़ लेते हैं परिमेय संख्याएं। तो ये संख्याएं आप लोगों को पता होगी परिमेय संख्याएं कौन से होते हैं, जैसे अपने रेशनल नंबर्स होते हैं, जो परिमेय संख्याएं कौन से होते हैं इनको बोला जाता है रेशनल नंबर, बोला जाता है रेशनल, रेशनल नंबर बोला जाता है इनको, परिमेय संख्याओं को क्या बोला जाता है रेशनल नंबर। तो ऐसी संख्याएं होती हैं जिसको अपन पी बटा क्यू के अंदर लिखते हैं, पी बटा क्यू के अंदर लिखते हैं और देन यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्यू नहीं होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसे अपन क्या कर सकते हैं, क्यू को नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं कि क्यू 0 नहीं होना चाहिए और पी बटा क्यू के रूप में वह उसको व्यक्त किया जा सकता है। तो ऐसी संख्या होती है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, तो आपको बेसिक इसमें पता होना चाहिए। देन इसके लिए एग्जांपल के लिए आपको मैं बता देता हूँ, जैसे आपने कोई संख्या लिखी इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपने कोई एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ पी बटा क्यू के रूप में अगर लिखा जा सकता है इसको, क्यों इसमें नॉट 0 नहीं होना चाहिए, अब क्यों 0 नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए 0,
तो अगर किसी संख्या में जैसे 5/0 किसी संख्या में अपन 0 का भाग देते हैं तो अपरिभाषित आता है। इसका रिजल्ट क्या आता है? अपरिभाषित आता है। इसलिए क्यों? जो डिनोमिनेटर होता है हर होता है, जिसे ये बोलते हैं ऊपर वाले इसे को अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। तो इस प्रकार ये मतलब इसका हर 0 नहीं होना चाहिए, 0 होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर यह प्रमेय संख्या नहीं होगी, यानी रेशनल नंबर नहीं होंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ रेशनल नंबर एग्जाम्पल क्या है। जिस प्रकार से जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 लिखा, तो जो सिंपल 2 लिखा मैंने तो बटे में 1, इसका मतलब ये 2 ही होता है, तो 2 हो सकता है, 3/5, इस प्रकार की जो संख्या है वो रेशनल नंबर कहलाती है, प्रमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहलाती है। इस प्रकार की जो संख्याएं होती है रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो आइए अपन एक अगली प्रकार की जो संख्याएं हैं उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। जो अलग संख्याएं अलग अलग तरीके से अपन मैं आपको बता रहा हूँ, अभी अपरिमेय संख्या भी आपको मैं बता रहा हूँ। ये थी अपनी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें अपरिमेय संख्याओं के बारे में, तो इसमें इसी में मैं आपको बताता हूँ, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल, बस इसमें इतना ही चेंज है। अपरिमेय संख्याएं यानी इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको अपन रूट लगा के लिखते हैं, 3 है, 5 है, इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं, यानी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इस प्रकार के जो आपको पता होना चाहिए, जो रूट के अंदर जो वैल्यूज होती हैं, रूट के अंदर जो वैल्यूज होते हैं वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं, यानी अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं। इनको इसको भी अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसमें भी जैसे p बटा अपन q के रूप में लिखते हैं तो q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी ये अपन नंबर लिखा जाता है, जैसे 3/1 लिखा तो 3/1 का मतलब क्या होता है, 3 होता है। अपन ऐसे नहीं लिख सकते 3/0 नहीं लिख सकते, ऐसा लिखोगे तो आप इंफिनिटी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप नहीं लिख सकते, p बटा q के रूप में भी लिख सकते हो, बाकी q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो q 0 नहीं हो सकता इसके अंदर। ये अपनी अपरिमेय संख्याएं थी। इस प्रकार अलग अलग जो संख्याएं थी अपनी अपरिमेय संख्याएं, जैसे जिस प्रकार से लिखते हैं अपन, एक तो ये जैसे पाई का मान लिखते हैं 22/7, तो 22/7 इसको अपन इस तरीके से लिखते हैं, तो पाई एक परिमेय संख्या, ये पाई एक तो परिमेय संख्या है, और जिसको अपन लिखते हैं जैसे 3.14 इस प्रकार से, तो अपरिमेय संख्याओं में इसको निरूपित कर सकते हैं। इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं आपको ये ऑलरेडी पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं भिन्न के रूप में बढ़ते हैं। भिन्न जो फ्रैक्शंस होते हैं ना, फ्रैक्शंस भिन्न p/q के रूप में अपन उनको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, जो भी भिन्न होती हैं, यानी भिन्न अपन भिन्न का कंसेप्ट देखेंगे। भिन्न के अंदर फ्रैक्शंस के अंदर अपन देखेंगे, भिन्न के अंदर जिसको अपन p/q के रूप में लिखते हैं, भिन्न को अपन p/q के रूप में लिखते हैं, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। भिन्न के अंदर एक कंडीशन होती है, p/q के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न के अंदर एक आपको शानदार ट्रिक बताऊंगा, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होती है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी होती है, तो इस प्रकार से आपको मैं बताऊंगा। तो अभी भिन्न के अंदर आप इस प्रकार से पढ़ोगे फ्रैक्शन, जैसे कोई आपने भिन्न लिया 2/5, तो ये क्या है, भिन्न है, भिन्न है। तो भिन्न के अंदर आपको बेसिकली इस प्रकार से पता होना चाहिए, एक होती है भिन्न के अंदर समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न कौन सी होती है? समतुल्य भिन्न कौन सी होती है? वो ऐसी भिन्न जिसके मतलब अंश और हर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, उसको समतुल्य भिन्न कहते हैं। जैसे ये कोई भिन्न अपनी थी 2/5, इसको अपन जैसे 2/5 इसको ऊपर नीचे 3 से गुणा अपन करेंगे या 4 से करेंगे, तो इस प्रकार से जैसे 6/15, तो ये इसकी क्या है, समतुल्य भिन्न है। इसकी क्या समतुल्य भिन्न है? ऊपर वाले भाग को अपन बोलते हैं अंश बोला जाता है, नीचे भाग को हर बोला जाता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इनको बोला जाता है इंग्लिश में, इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसको बोला जाता है। बाकी आपको समतुल्य भिन्न का ही मैंने आपको बता दिया। कोई एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे कोई एग्जांपल आपके कंपटीशन एग्जाम में आ गया, 5/16 इसका समतुल्य भिन्न कौन सा होगा, तो ऑप्शन में आपको गिवन होगा, तो इस प्रकार से इसका तो मल्टीप्लाई 2 से किया हुआ मिलेगा इस प्रकार से, यानी 10/32 इस प्रकार से, इसको काटोगे तो वही 5/16 आएगा। तो समतुल्य भिन्न वो होती है कितने नंबर से वो मल्टीप्लाई हो, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई होनी चाहिए,
उसके बाद में आप निकाल सकते हो। ये भिन्न में था कंसेप्ट। अब सबसे छोटी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होती है, बेसिक आपको ट्रिक बताता हूँ। ऐसी भिन्न जिसका अंश और हर का डिफरेंस, मतलब ऐसी भिन्न जिसका, जैसे ये तो अंश वाला हिस्सा हो गया, ये हर वाला हो गया। ऐसी भिन्न जिसका अंश और हर का डिफरेंस एक हो, यानी p माइनस q का डिफरेंस वन हो, p माइनस q का डिफरेंस वन हो और उसका क्या है कि सबसे बड़ा हर हो, हर की वैल्यू जो सबसे बड़ी होती है वो भिन्न सबसे छोटी होगी। हर की वैल्यू जो सबसे बड़ी होगी सबसे छोटी होगी। और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी जिसमें हर की वैल्यू सबसे छोटी होगी और अंश की वैल्यू बड़ी होगी, वो होगी। और डिफरेंस आपको कंडीशंस में बता रहा हूँ, वन का डिफरेंस के अंदर। बाकी कुछ है डिफरेंट जो भिन्न होती हैं उनको आप डायरेक्टली भी वैसे सोल्व कर सकते हो भाग देख के। जैसे कि आपको भिन्न के अंदर बताता हूँ, जैसे 2/5 है या पे 3/6 है, इस प्रकार की भिन्न है। फिर इन दोनों भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो ये डिफरेंस वाला नहीं है। इसमें कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, इसमें 3 का डिफरेंस है, तो इसमें 1 का डिफरेंस वाले अलग है और समान डिफरेंस का अलग है। इसमें अलग अलग कंडीशन बनेगी, समान डिफरेंस और 1 का डिफरेंस, मतलब 1 का डिफरेंस अंश और हर में 1 का डिफरेंस, और समान डिफरेंस मतलब 3 का डिफरेंस हो चाहे 5 का हो चाहे 4 का हो 1 का हो, कितने समान डिफरेंस का अलग है, 1 के डिफरेंस वाले अलग है। इसमें कौन सी बड़ी भिन्न होगी, तो आप इसे डायरेक्ट भाग देख के देखोगे, जैसे 0.4 जगह 5, इसमें एक पॉइंट लग जाएगा, फिर 0 उतर के फिर 5 होकर 20, ये 4 हो जाएगा, और इस प्रकार 6×5=30। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हुई, मतलब सीधी सी बात है कि जो समान डिफरेंस होगा भिन्न के अंदर, देखिए समान डिफरेंस होगा और जिसमें हर वाला भाग बड़ा होगा, समान डिफरेंस होना चाहिए, हर का भाग जितना बड़ा होगा वही भिन्न उतनी ही बड़ी हो जाएगी, ये उतनी ही बड़ी हो जाएगी। इसी प्रकार से जो एक का डिफरेंस है उसमें क्या है, जिसका हर का मान बड़ा होगा, इसी प्रकार से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये भिन्न का था कंसेप्ट। और नंबर सिस्टम में आपको परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, आपको इसके बारे में इस वीडियो में मैंने चर्चा की है। ये नंबर सिस्टम का बेसिक 0 लेवल का आपको मैंने बताया, अधिकतम स्टूडेंट को इसके बारे में आपको पता होगा। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहिए, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।